बिहार में 243 सीटों पर हुए चुनावों में एनडीए को 125 सीटें मिलने से एनडीए के बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद बीजेपी में जीत का जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी बिहार में मिली जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें बिलासपुर सदर से बीजेपी के विधायक सुभाष ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के जीत के जश्न में खूब मिठाई बांटी गई और पटाखे चलाए गए। इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिहार में मिली जीत विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जिस तरह से बिहार में लूटपाट और भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उससे निजात पाने के लिए बिहार की जनता ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। इससे आने वाले दिनों में जाति पाति के एजेंडे से ऊपर उठकर विकास का ही एजेंडा रहेगा। वही अब लोग चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व हो जो राष्ट्रहित के लिए निर्णय ले और जन कल्याण की नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में दिन रात मेहनत की है और जिस तरह से उन्होंने संगठनात्मक और बिहारी भाषा में भी वहाँ के लोगों से तालमेल किया है, उससे उन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जिसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। जी हां, मैं एनडीए की सरकार है, उसके लिए मैं अपने बिलासपुर वासियों को, हिमाचल निवासियों को बहुत बधाई देता हूं। यह दिवाली का पर्व है, यह दिवाली के उपलक्ष में एक बहुत बड़ा भारत देश के जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और यह जीत धर्म के लिए जीत है। जीत मोदी जी के नेतृत्व के लिए, जो भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है। और बिहार में जिस तरह 15 साल पहले लोगों से लूटपाट होती थी, अपहरण का उपयोग चल रहा था और भ्रष्टाचार पकड़ था, सबसे निजी दिलाने के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वहां पर बहुमत है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय जगत नड्डा जी का, उनका अथक प्रयासों से यह जीत हुई है। इसके लिए आने वाले देश की राजनीति दिशा और दशा भी इंगित करती है। आने वाले दो में भारत की जनता 130 करोड़ का विकास बिहार की जनता ने इसके ऊपर हो रही है। आने वाले दिनों में भी विकास के लिए अब एजेंडा राजनीतिक एजेंडा है या विकास का एजेंडा रहेगा, आपको पहले और दूसरे जड़े नहीं रहेंगे। लोग चाहते हैं कि नेतृत्व हो जो राष्ट्र के लिए निर्णय ले, ऐसा नेतृत्व हो तो आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और उन तक पात्र लोगों तक गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी नहीं है, वो उन्हीं नीतियों के ऊपर बिहार की जनता मोहरी है। दीपावली हम सभी को शुभकामना देते हैं, सब परिवार यह दीपावली सभी को मंगलमय हो। बिलासपुर निवासियों को और देश निवासियों को सभी को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। मैं यही कहूंगा कि यह हमारे हिमाचल प्रदेश से नड्डा जी यहाँ संबंध रखते हैं और जी अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से कोरोना का उन्होंने काम किया, जिन राष्ट्र मेहनत की है और इस कोरोना का उन्होंने जिस तरह से सारा संगठनात्मक दृष्टि और पॉलिटिकल और सोशली और उनकी एजुकेशन वहां उन्होंने भी अपने भारी बने भी लोगों से जो शामिल किया, उससे लगता है कि न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि वह पूरे देश में आगे एक अपना छाप भी छोड़ रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, उसी के बेस पर आज जीत मिली है। वो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी अपने सभी बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बिहार चुनाव में उनके लिए लोगों ने विश्वास पर और उनके विकास पर जो वोट दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिंद।